सब्जी के चल रहे हैं रेट बहुत हाई, और कमेंट कीजिएगा किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉग। और देखिए, मैं काम करते करते साथ साथ में अपना भी ध्यान रखती रहती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, फिर पूरे परिवार का ध्यान रखिए। आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। तो चलिए और बताइए, वैसे कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एंड आई विश कि आप अच्छे रहिए, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए अपनी फैमिली के साथ। और सुबह सुबह छोटा भीम लगा रखा है, क्योंकि कार्टून वगैरह से थोड़ा बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी टिया को उठाऊंगी और फिर उसको भी रेडी करूंगी, उसके बाद मैं रेडी होकर निकल लूँगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। मैंने जो है जो चीज़ पेस्ट था, टोस्ट बनाया, उसमें मैंने खीरा डाला था उसको कद्दूकस करके, तो उसका जो रस था वो मैंने अपने फेस पे लगा लिया मॉर्निंग में ही। और खीरे का रस भी बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए, इसमें बहुत सारे जो है आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं और स्किन बहुत अच्छी सी रहती है। देखिए अभी तो ये मैंने लगा रखा है, तो देखिए आप मेरे साथ इतने सारे पैरेट, देखिए सुबह सुबह प्यारा सुबह का नज़ारा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड चीज़ टोस्ट। ये देखिए, मैंने इसमें जो ऑर्गेनिक डाला, और मैंने इसमें डाला ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड टमाटो सॉस, एंड मैंने इसमें डाला है ये चीज़ पेस्ट। और इन सबको मिक्स करके इसमें कुकुम्बर डाल दिया है, और बस तो इसको मिक्सअप करके मैंने ऐसे करके ब्रेड का स्लाइस जो है कट करके उसके बाद इसको लगा दिया, और साथ में दूंगी मखाने। ये अभी मखाने जो है सिक रहे हैं देसी घी के अंदर, और ये जब क्रिस्पी से हो जाएंगे तो इनको थोड़ा ठंडा करके फिर ये भी मैं जो है टिफिन में डाल दूँगी अलग से बॉक्स में, तो बच्चे जो है थोड़ा हेल्दी भी खा लेंगे। मखाने वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं माइंड के लिए भी और पूरी बॉडी के लिए। मेरी बेटी का टिफिन है, यहाँ पर है चीज़ टोस्ट और यहाँ पर है मखाने, तो ये कर दिया है। और ये पानी की बॉटल है, डॉल चली गई है, और बच्चों के डैडी के लिए बना रही हूँ मसाले के जमे, और इनको भी एक सैंडविच रख दूँगी और साथ में मसाले के जमे रख दूँगी पोटैटो वाले। देखिए पूरा का पूरा कैसे फैलावा हो रहा है घर के अंदर भी। बस अभी 5 मिनट में सारा का सारा संवा दूँगी, और डॉल खा के गई है चोकूस। जी ये है हमारे रोस्टेड जवे, आपने खाए क्या कभी? अगर खाए तो कमेंट करके बताइएगा आपको मीठे पसंद आते हैं या फिर नमकीन। मुझे तो दोनों ही पसंद आते हैं। तो जब ये रोस्टेड रहता है ना तो इनको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बट डायरेक्ट अभी मसाला भूनूंगी उसमें डालूंगी, तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये भी रेडी हो जाती है। ये अभी मसाले वाले जवे भी रेडी हैं, बस थोड़ा सा पानी स्टीम होना है इसका, ये सूख जाएगा अभी। बस इसको ऐसी स्टीम पर रख दूँगी ना, और मैंने इसमें घी डाल दिया बनने के बाद भी, तो इससे क्या है ये खिले खिले रहेंगे आपस में,
स्टिकी नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और लंच टाइम के लिए बहुत बेस्ट है ये, हेल्दी है। तो अभी बच्चे कर रहे हैं काउंटिंग, लर्निंग विद आपसे एक बहुत ही बढ़िया सा और फनी सा सवाल, बताइएगा कि एग का कौन सा डे सैड डे होता है। तो चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए और आगे उसको शेयर कर दीजिए। फटाफट से बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। अभी मैंने धो दिए हैं कपड़े सारे और देखिए मैं जब सुबह गई थी ना तभी मैंने जो है टब में जो है सर्फ डाल के कपड़े भिगो दिए, तो इससे क्या बहुत फ़ायदा होता है, बस आपको एक एक हाथ मारना पड़ता है और जो थोड़े से ज़्यादा कॉलर वगैरह से या बच्चों के होते हैं उन पर साबुन करके ब्रश मार दो और फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं। मैंने इवनिंग में जो है फिर नहाने गई तो पानी निकाल के कपड़े डाल दिए। अभी देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ज़्यादा ऐसा ही हो रहा है, अभी ठंडा है थोड़ा। अभी बज रहे हैं 7:30, लेकिन देखिए पूरा दिन निकला पड़ा है 7:30 बजे जयपुर में। आपकी सिटी में कैसा टाइम, मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, क्या होता है, क्या उजाला रहता है, ऐसा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। जो भी मेरे को इस अलग अलग सिटीज से देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर महादेव सभी को, और लीजिए आ गई आपके सामने फिर कुछ प्रश्न लेकर महादेव से ही रिलेटिव। अच्छा, अगर आप महादेव के भक्त हैं और अगर आप यात्राओं में जाते रहते हैं तो आपसे मेरा एक सवाल है कि हमारे कैलाश पर्वत, हमारा महादेव का कैलाश पर्वत, उसकी चढ़ाई कितने किलोमीटर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसको आगे शेयर कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ, प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ हो रही है बच्चों की साइकिल रेसिंग। देखिए अभी ऐसा लग रहा है ना सामने कोई बादलों की चेयर बनी हुई है, कमेंट करके बताइएगा आपको भी ऐसी लग रहा है देखने में क्या। लोग लेने हैं आए हैं आलू और प्याज। अभी हमारी मंडी में प्याज तो चल रही है 100 की 2.5 किलो और आलू चल रहे हैं 100 के 3 किलो। तो आपके शहर में सब्जियों का क्या रेट चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। अभी सब्जी के चल रहे हैं रेट बहुत हाई और कमेंट कीजिएगा कि आपके यहाँ पर जो है सब्जियों का क्या रेट चल रहा है। हमारे जयपुर में तो अभी सब्जी बहुत महंगी चल रही है। खीरा कैसे दिया भैया? खीरा चाइनीज खीरा 60 रुपए किलो, देसी वाला। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहरे जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी
नजरों ने समझा। सुना है क्या ये सॉन्ग? अगर सुना है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सी मूवी का ये सॉन्ग है। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो ज़रूर मेरे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, और अगर नहीं भी देखी है तो सर्च करके बता दीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ।